नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र सैद नागली के गांव सोहात में तालाब किनारे पेड़ के नीचे पड़ा मिला युवक का शव, जिसकी शिनाख्त जयपाल पुत्र कृपाल सिंह उम्र 45 वर्ष गांव आदमपुर साथलपुर के मढ़ैया के रूप में की जा रही है। बता दें कि ये घटना जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र के सैद नागली के गाँव सोहत की है। बताया जा रहा है कि मृत जयपाल का काफी दिनों से अपने परिवार के साथ विवाद चल रहा था। इस कारण वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने ससुराल सुहात में रह रहा था। उसकी पत्नी संगीता ने बताया कि मृतक जयपाल परिवार में विवाद के चलते हर वक्त तनाव में रहता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा लगता है कि तनाव के चलते ही जयपाल ने आत्महत्या की है। उधर थाना अध्यक्ष मोहित चौधरी ने बताया कि पहली बार देखने पर यह मामला आत्महत्या का ही लगता है। वास्तविकता जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता का पता लग पाएगा और उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे गांव का लड़का था, ससुराल आया हुआ अपनी सौत में, साथलपुर का रहने वाला था। अब यहाँ काम करके बिजनेस के लिए जाने वाला था, लेकिन वो संदिग्ध हालत में, अभी हम संदिग्ध हालत में है, लगता है कि आत्महत्या भी की हो, लेकिन आत्महत्या लग नहीं रही है, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है। तो पुलिस ने पैनल बना के जांच कराने के लिए कहा, क्योंकि कई सारे डॉक्टरों की टीम होगी, सत्यता आ जाएगी उसी आधार पर। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।